नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उनके मंत्री भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बागपत में आधारशिला के नाम पर बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा पंजाब में दशहरा के मौके पर जो हुआ उससे भी बड़ी हादसा हो सकता था, क्योंकि ये आधारशिला रेल के पटरी से चंद कदमों की दूरी पर रखी गई। यदि हादसा हो जाता तो न जाने कितने जाने जाती, क्योंकि मौत सैकड़ों लोगों से चंद कदमों की दूरी पर हाई स्पीड से दौड़ रही थी। सभी नियम ताक पर थे, क्योंकि आधारशिला रखने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह पहुंचे थे। रेल की पटरी पर बैठे ये लोग शायद उस खतरे से अनजान है कि पलक झपकते ही उनकी जिंदगी पेड़ के सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी। रेलवे ट्रैक पर खड़े ये लोग भी खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि कई लोग रेल की पटरी पर ऐसे सैर सपाटा कर रहे हैं जैसे रेल की पटरी पर। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सैकड़ों ऐसे भी लोग हैं जो रेलवे ट्रैक के बराबर में कुर्सियां डालकर बैठे हैं और कुछ रेलवे ट्रैक पर बैठे बैठे कार्यक्रम देख रहे थे। बड़े हादसे को दावत देती ये तस्वीरें यूपी के बागपत में जीवाना हॉल्ट की है। अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते ये लोग न जाने किस आरक्षण की मांग को लेकर धरने देने आए हैं और न किसी बात को लेकर प्रदर्शन करने। ये लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए हैं जिसमें बागपत के जीवाना रेलवे हॉल्ट स्टेशन के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह आधारशिला रखी है। कुर्सियां भर गई तो ये लोग थक हार कर रेलवे की पटरी पर बैठ गए। कई ट्रेन आई और चली गई, लेकिन इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि ये बच गए। अब जरा सुनिए आधारशिला के बाद क्या क्या बखान कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। 18 वर्षों से इस क्षेत्र के विशेष रूप से 8 गांवों की ये मांग थी कि इस जीवाना में जो दिल्ली से सहारनपुर जो ट्रेनें चलती हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं, उनका एक हाल्ट बनाया जाए। उसे हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा होगा। भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय के जो मंजूरी के बाद हमारे माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के कारण यहाँ जीवाना में हाल्ट मंजूर हुआ है। उसी का आज यहाँ पर जो है एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर किया गया, और मेरा विश्वास है कि 8 गांवों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये केवल फ़ायदा उनका केवल रेल में बैठने का नहीं होगा, उनका हर एक प्रकार से उनके बच्चे पढ़ने के लिए, सुरक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, सब लोगों का इसका फ़ायदा होगा। विकास की जो गाड़ी बागपत में चल रही है, मैं कह सकता हूँ ये विकास की गाड़ी, उस गाड़ी की और गति तेज होगी इसके हाल्ट के बनने से। आपने बागपत में मेट्रो बनाने की बात की है, देखिए जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। पिछले 4.5 वर्षों में 5 वर्षों में जो कहता रहा वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने मेरा ये सपना नहीं, मेरा ये संकल्प है कि बागपत के क्षेत्र के लोगों को दिल्ली से जुड़ने के लिए मेट्रो यहाँ पर चलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि नीरव मोदी तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़े भाई, आज रेल की बात कर रहा हूँ, धन्यवाद। चलिए, 8 गांवों की मांग थी हॉल्ट बने, हजारों लोगों ने फायदा होगा। रेलवे मंत्री की मंजूरी के बाद हमारे माननीय पीयूष गोयल के कारण हॉल्ट मंजूर नहीं। खुशी का छोटा सा फंक्शन है, शायद होगा रेल में बैठने का नहीं। बच्चे पढ़ने के लिए, सुरक्षा के लिए फायदा। विकास की गाड़ी बागपत में चल रही थी, विकास की गति और तेज हो गई। सुना अपने केंद्रीय मंत्री ने विकास की तो बात की, लेकिन लापरवाही पर कुछ नहीं कहा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए किसको लापरवाह ठहराया जाए? रेलवे ने इसके लिए परमिशन ली या नहीं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या पुलिस प्रशासन ने परमिशन दी, यह भी बड़ा सवाल है। और यदि परमिशन न ली गई और न दी गई, यह भी बड़ा सवाल है। जिस पुलिस प्रशासन पर ऐसे लापरवाही रोकने की जिम्मेदारी है, वह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह की अगुवाई में लगे थे। जिस रेलवे के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी बनती है, वह रेलवे ट्रैक से चंद कदमों की दूरी पर कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, वो भी मंत्री जी के आवभगत में लगे थे। कुछ लोग बड़े हादसे से अनजान थे और कुछ जान कर भी अनजान बने थे, लेकिन यदि कोई हादसा हो जाता तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होता? अब देखिए लोग जानकर भी कैसे अनजान बने हैं और सवाल पूछने पर अपनी गलती भी मान रहे हैं। बात विकास की होती है, अच्छी बात है, लेकिन हादसे को दावत देना और नियमों को गिरवी पर ताक पर रखना किसी हिसाब से सही नहीं है। इस मामले पर रेलवे के अधिकारी बोलने से बचते नजर आए और पुलिस को तो मानो सांप सूंघ गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन लोगों की सांस में सांस जरूर आई जो जानते थे कि यह आधारशिला हादसे में तब्दील हो सकती थी।
आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव शर्मा। संजीव जी यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? यहाँ संजीव जी यहाँ जी डॉक्टर सत्यपाल सिंह हमारे गांव जिवाणा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आप ये बताइए जैसे रेलवे ट्रैक के नज़दीक कार्यक्रम हो रहा है, हाँ जी, कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे ट्रैक पर घूम रहे हैं, ट्रेन भी यहाँ से अभी अभी गुजरी है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको, मंत्री जी को मानेंगे या प्रशासन को? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, मंत्री जी का क्या आया, तो उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, जो भी होगा वो सब अपने अपनी सेफ्टी के लिए सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गाँव में बड़े अच्छा खुशी का माहौल है। जैसे अभी पंजाब में घटना हुई थी, आपको नहीं लगता कि ये कार्यक्रम ट्रैक से दूर होना चाहिए? नहीं सर, वो तो जगह की वजह से, दिक्कत आने की वजह से यहाँ करना पड़ा, मजबूरी है ये, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं वैसे ट्रैक के नज़दीक होना नहीं चाहिए था ना? ना वो तो वही तो बार बार कह रहा हूँ मैं कि मजबूरी है, करना पड़ता है। अगर इसमें कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन? नहीं हादसा कैसे हो जाएगा जी, हम अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे तो हफ्ते कैसे हो जाएगा? क्योंकि हादसा बता के नहीं होता ना। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, जो होता है वो तो परमात्मा की देन है, सब कुछ हो जाता है। जी आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम संसार सिंह पंवर, गांव कभी दोगट था, अब जिवाना में मामा के हक पे मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो दोनों ही गांव समझिए, जिवाना जिवानी और दोगट। सर जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम है और कौन लोग यहाँ पे आए? आज यहाँ ये हमारा रेलवे हाल्ट का उद्घाटन है, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी की कृपा से एक लंबे इंतजार के बाद ये मंजूर हुआ है। हमारी तो उम्र बहुत कम थी जब हम बच्चे थे, तब से इंतजार करते आ रहे हैं कि कब ये सुविधा हमें मिलेगी, तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के कारण ये संभव हुआ है और आज सभी गांव वाले खुश हैं, सभी आभारी हैं डॉक्टर सत्यपाल जी के और रेलवे मंत्री के। सर आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से रेलवे ट्रैक के नज़दीक कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी हादसा हो सकता है, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा? हाँ रेलवे ट्रैक के नज़दीक हो रहा है, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है जितने हम यहाँ खड़े हैं कि हम ट्रैक से थोड़ा हट कर रहे हैं, पंजाब में जो हादसा हुआ था उससे सबक लेना चाहिए और जिम्मेदारी तो भाई हम सबकी है, सबसे पहले मेरी है, अगर मैं भी समझा रहा हूँ सबको। अगर 1% इसमें कोई हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार प्रशासन हो गया, मंत्री जी होंगे? भाई हम तो अपने सबसे पहले जिम्मेदारी अपने लेते हैं, हमारी गाँव वालों की जिम्मेदारी, हम सबको समझाएं, समझा भी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कार्यक्रम रेलवे फाटक से थोड़ा दूर बस थोड़ा हटके होना चाहिए था? इत्तेफाक से इन्होंने यहाँ इसलिए कर दिया कि यहाँ पे हाल्ट मंजूर हुआ है, इसलिए। ये आपका नाम जानना चाहूँगा। रोशन सिंह। रोशन सिंह जी क्या कार्यक्रम है और कौन यहाँ पे अतिथि आ रहे हैं? श्री सतपाल सिंह आ रहे हैं, संसाधन विकास राज्य मंत्री, क्षेत्र सांसद बागपत से। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है जिवाना हाल्ट का पूजन, भूमि पूजन। जैसे रेलवे ट्रैक के नजदीक कार्यक्रम हो रहा है जी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, मन था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर। अगर 1% अभी पंजाब में जो घटना हुई थी, पंजाब में ट्रैक पर खड़े थे, यहाँ कोई खड़ा नहीं, सब साइड में है, तो जैसे ट्रैक के नजदीक कार्यक्रम हो रहा है, आपको लगता नहीं कि यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ट्रैक से? नहीं ये कार्यक्रम जो है हमने बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कई ट्रेन गुजर ली है, हम उसकी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकॉर्ड किया है, इसमें लोग बैठे थे, यहाँ से गुजरी? नहीं ट्रेन गुजरी वो उठ गए थे, वो तो ट्रेन कुछ दूर से ही उठ गए थे, कोई ट्रेन ट्रैक पर नहीं था।